नमस्ते गाइस, आशीष शेफ और नमस्ते टेक। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं वीवो का V7 का रिव्यू। अगर आपने V7 प्लस का रिव्यू देखा है या आपके पास है, तो ये इसके नीचे का मॉडल है। तो कुछ एक चेंजेस किए हैं डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन को अगर आप छोड़ दें तो काफ़ी कुछ सिमिलर है उसमें। और बैटरी की कैपेसिटी कम है, स्टोरेज कम है, डिस्प्ले साइज़ कम है और प्राइसिंग ऑफकोर्स कम है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि Vivo ने V7 क्यों लॉन्च किया है, तो इसका एक ही रीज़न समझ में आता है हमें, वो है Oppo के F5 के साथ कंपटीशन। Oppo का F5 भी एक सेल्फी फोकस स्मार्टफोन है, V7 भी एक सेल्फी फोकस स्मार्टफोन है। एक प्राइसिंग की बात होती है, एक प्राइसिंग मैच करने की बात होती है, तो ये शायद इसी के लिए लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं इस फ़ोन में क्या क्या फीचर्स हैं। बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो V7 का जो रियर बॉडी है वो प्लास्टिक का है, मेटल फिनिश जरूर दिया है लोगों ने, काफ़ी एलिगेंट है। एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, कैमरा विथ फ्लैश मिलता है, इसके बटन्स मेटालिक हैं। जो नोटिस करने लायक चीज़ है वो है इसका डिज़ाइन। एक तो ये एर्गोनॉमिक है, जब आप हाथ में लेते हैं तो कर्व्ड है, तो बहुत अच्छा फील होता है जब आप हाथ में इसको पकड़ते हैं। उसके अलावा इसके एंटीना का डिज़ाइन प्रॉपरली मैनेज किया गया है टॉप और रियर में, बट फिर भी ये प्लास्टिक है। अगर एक 20,000 का फ़ोन अगर हम आज के मार्केट के साथ कंपीट करें तो थोड़ा सा पीछे ज़रूर लगता है, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है इन माय ओपिनियन एक ओवरऑल यूजेज के हिसाब से। फ्रंट की अगर बात करें तो बीजल्स बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज एक 20,000 के फ़ोन में पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका लुक या डिस्प्ले साइज हमें ज़्यादा मिले। तो आपको 5.7 इंच का IPS फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। HD+ रेजोल्यूशन है ऑफकोर्स, और इसके आइकन्स शार्प दिखते हैं, टेक्स्ट वगैरह काफ़ी स्मूथ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो कलर रिप्रोडक्शन है स्क्रीन में काफ़ी पंची है, और ब्राइटनेस इज़ वेरी गुड। आप कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत डार्क में देख रहे हैं और आपको ब्राइटनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। टॉप में आपको इसका फ्रंट कैमरा मिलता है एम्बिएंट सेंसर के साथ, और एक सेल्फी लाइट भी मिलती है। इस फ़ोन में 2 नैनो सिम कार्ड जाता है, एक माइक्रो SD जाता है, जो कि काफ़ी अपील करता है कंज्यूमर्स को, बिकॉज आज के समय लोगों के पास 2 सिम भी होते हैं, माइक्रो SD कार्ड भी होता है, 256 GB का मैक्सिमम लगा सकते हैं। माइक्रो USB पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल मिलता है बॉटम पे, और एक 3.5 mm का ऑडियो जैक भी है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और परफॉर्मेंस की। तो आपको इसमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर मिलता है, जिसमें कि 8 ARM कॉर्टेक्स A53 CPU है, एड्रीनो 506 GPU है। हालांकि आपको लगेगा कि स्नैपड्रैगन 450 20,000 के फ़ोन में थोड़ा सा कम है, बट ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस हमें मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है। कहीं भी ऐसा मेजर लैग नहीं मिला है, गेमिंग करते हुए कोई हीटिंग इश्यू नहीं है, और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि फ़ोन किसी भी एंगल से परफॉर्मेंस कम दे रहा हो। इसमें आपको 4 GB का रैम मिलता है, 64 GB या 32 GB का स्टोरेज स्पेस मिलता है। बैटरी कैपेसिटी 3000 mAh है। इसके अंदर फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है, क्योंकि मैंने देखा है कि फ़ोन काफ़ी जल्दी चार्ज होता है, 1 घंटे के अंदर 100% हो जाता है। अगर आपकी बैटरी लो हो रही है तो आप फटाफट चार्ज कर सकते हैं। इस फोन में VoLTE सपोर्ट है, एक्सेलरोमीटर, एम्बिएंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास और वर्चुअल गायरोस्कोप भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको किस तरह का कस्टमाइजेशन मिलता है। अगर आपने हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देखा है तो आपको बहुत क्लियर होगा कि इसमें क्या क्या फीचर है। कंपेयर टू ओप्पो इसका OS बहुत ज़्यादा मेच्योर है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो ये बिल्कुल ऑनर के फोन्स के साथ कम्पीट करता है सॉफ्टवेयर के मामले में। फिर आप नेविगेशन हाइड कर सकते हैं, गेस्चर्स मोड में जा सकते हैं, ऐप्स लॉक कर सकते हैं, ऐप को क्लोन कर सकते हैं, स्वाइप डाउन करके सर्च कर सकते हैं। एक फीचर जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आज के समय के OS से, वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। V7 के अंदर फेस रिकग्निशन फीचर भी आता है, अगेन फैंसी फीचर है, सिक्योरिटी फीचर नहीं है। अब बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ की। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, कोई शॉट टू शॉट लैग नहीं देखा। कैमरे का जो इंटरफेस है उसमें काफ़ी सारे फीचर्स है, पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल है, कोई लैग नहीं है इसके अंदर। और इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा जो 24 MP का है, सेल्फी पोर्ट्रेट मोड और SDR सपोर्ट करता है, जो अपने आप में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है सेल्फी लवर्स के लिए। हम लोगों ने होली में काफ़ी सारे पिक्चर्स ली थे, तो आप इन फोटोज को देखें और मैं बहुत बहुत श्योर हूँ कि आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। लो लाइट की अगर बात करें तब भी काफ़ी डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल लो लाइट के लिए ही बनाया गया कैमरा,
फिर भी काफ़ी डिसेंट है, शार्पनेस आपको मिलती है, थोड़ा सा नॉइज आपको ज़रूर मिलेगा, परफेक्ट नहीं है बट डूएबल है। जो इसका रियर कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर के साथ आता है, अल्ट्रा एचडी प्रोफेशनल मोड अवेलेबल है, मल्टीपल इमेजेस ले सकता है, स्लो मोशन वीडियो कैप्चर कर सकता है, टाइम लैप्स का भी ऑप्शन है आपके पास, वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p पे आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बैटरी के परफॉर्मेंस की, तो आपको 3000 mAh बैटरी मिलता है जो मेरे हैवी यूजेज में ऑलमोस्ट एक दिन निकल जाता है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 10% से 12% बैटरी बचती है, तो आप 17-18 घंटे आप निकाल सकते हैं बड़ा आराम से, और अगर इन केस आपकी बैटरी लो हो रही है तो आप इसे चार्जिंग पे लगा दें और ये क्विकली बैटरी को चार्ज कर देता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ओवरऑल V7 एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है सेल्फी लवर्स के लिए या कैमरा लवर्स के लिए, क्योंकि इसका फ्रंट और रियर कैमरा मुझे दोनों इम्प्रेसिव लगे, बैटरी लाइफ अच्छी है, OS का कस्टमाइजेशन अच्छा है। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है अगर मुझे कहना होगा तो वो है इसका प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी, बट ये फोन जिस तरह से डिजाइन हुआ है आई थिंक आप बड़े आराम से इसे इग्नोर कर सकते हैं। Vivo V7 फिलहाल 15600 का बिक रहा है जो कि काफी डिसेंट प्राइस है, हमारी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। तो दोस्तों ये था Vivo V7 का रिव्यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में और भी ऐसे वीडियोज के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।